इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्क की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की बोल न्यूज ने। अच्छा आप हमारे साथ रहेगा, आपको अहम खबर दें कि इस वक्त खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। जब सारा मीडिया आवाम को गुमराह कर रहा था, बता रहा था कि इमरान खान मामूली जख्मी है, बोल ने सबसे पहले बताया इमरान खान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इमरान खान को शदीद चोटें आई हैं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान जख्मी हुए हैं, उनको शदीद चोटें आई हैं। चार गोलियां लगी हैं। बोल ने पल पल की खबर नाजरीन को दी। खान साहब के लगी तीन चार गोलियां उनके काम पे लगी हैं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो सामने बिल्कुल रिपोर्टर्स, कैमरामैन, DSNG अमला, सीनियर एंकर फायरिंग के दौरान जान पर खेलकर सहाफत का फर्ज अदा करते रहे। कारवां चलता हुआ अल्लाह वाला चौक के करीब पहुंचा है तो वहां पर जो है वो बकायदा तौर पर खान साहब पर हमला हुआ। कंटेनर पर उस वक्त जो लोग मौजूद थे, मैं भी उनमें शामिल था, तो हमें पहले जो तीन चार सेकंड थे समझ नहीं लगी कि हुआ क्या है। बोल ने शौकत खानम अस्पताल से लेकर जवान पार्क तक मुकम्मल आगा रखा। और आप उसके ऊपर देखें कि यहाँ पर बुके जो है फूलों के रखे गए हैं बाकायदा तौर पर, और यहाँ पर इमरान खान से जा रही एकजहती जो है वो की जा रही। बोल की नशरियात मुअत्तल कर दी गई, गैर कानूनी हथकंडे आजमाए गए, मगर बोल ने हक और सच का साथ नहीं छोड़ा। ने हमेशा हक को सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की, इजहारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।